वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। नाउ इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ड्रामा सीरियल तुम बिन जिए कैसे की आने वाली एपिसोड के बारे में। जब माही तैयारी कर रही होती है अपनी शादियों की, शादी के लिए तैयार होकर जब वो नीचे आती है अपने बारात का इंतज़ार कर रही होती है, तभी उसकी बहन मिरहा आ जाती है। तो ज़ारा उससे पूछती है क्या हुआ मिरहा, क्या बारात आ गई? तो मिरहा कहती है बारात नहीं आ रही, उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया है। ये बात सुनकर वहाँ से माही भाग जाती है। चैनल पर नहीं है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये सब कुछ किया ज़ारा की बहन माही का है, क्योंकि उसी ने दुल्हे की बहन को कॉल करके कहा है कि इसकी तो पहले शादी हो चुकी है, तुम लोग कैसे इसकी शादी कर सकते हो? जबकि ज़ारा के मामू भी काफ़ी गुस्सा करते हैं उसकी मामानी पर, क्योंकि उन्होंने ये बात तलाक वाली बात उन लोगों से छुपाई थी, और तलाक वाली बात सुनने के बाद ही उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया है। और माही काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है और वो गुस्से में अपने कमरे में भाग जाती है, जाकर लॉक कर लेती है अपने कमरे में, बैठकर बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन जब माही को पता चलेगा कि ये सब कुछ ज़ारा की बहन ने किया है, वो तो पहले ही ज़ारा की दुश्मन है, तो अब और दुश्मनी पाल लेगी। ज़ारा की मामानी ज़ारा के साथ कुछ बेहतर हुई थी उनका रवैया, लेकिन ये सब कुछ पता चलने के बाद वो भी ज़ारा के साथ अब वो उसी तरह पेश आएंगी। चैनल पर नहीं है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल काफ़ी ज़बरदस्त जा रहा है, क्योंकि साथ ने भी जैनी से रिश्ते से इनकार कर दिया है, अभी शादी से इनकार कर दिया है, और बहाना ये लगाया है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि उसको शादी किससे करनी चाहिए, ज़ारा से या जैनी से। लेकिन ज़ारा उसका पॉइंट बिल्कुल समझ गई है कि वो ज़ारा की वजह से ही शादी से इनकार कर रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, आपको क्या लगता है साथ की शादी किससे होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में।